देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद साजिद खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पासपोर्ट में तथ्य छिपाने का आरोप। पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी पर क्षेत्र की राजनीति में आया भूचाल। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पासपोर्ट नहीं बना सकते, विधायक शेखावत। कांग्रेस नेता और पार्षद पति पूर्व पार्षद साजिद खान को बदनावर पुलिस ने पासपोर्ट में तथ्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया। कांग्रेस के नेता के विरुद्ध मामला दर्ज करने पर क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई। विधायक भंवर सिंह शेखावत ने इस मामले में पासपोर्ट कार्यालय पर सीधा प्रहार करते हुए कहा, किसी का भी पासपोर्ट बिना पुलिस के वेरिफिकेशन के नहीं बनता। पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पासपोर्ट मामले में केवल पासपोर्ट कार्यालय को ही कार्रवाई करने का अधिकार है। थाना प्रभारी दीपक सिंह का कहना है, साजिद खान ने तत्काल पासपोर्ट बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया था, जिसमें पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण की जानकारी छिपाई गई। पुलिस थाने में दर्ज मामला छिपाया गया। पत्राचार में पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त जानकारी पर साजिद खान के विरुद्ध आईपीसी 420 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी साजिद खान को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। वहीं इस मामले में कांग्रेसी विधायक भंवर सिंह शेखावत का कहना है, पुलिस ने साजिद को गलत अरेस्ट किया है। बदनावर पुलिस प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रही है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पासपोर्ट नहीं बन सकता। धार से जफर अली की रिपोर्ट। एक कार्यकर्ता को पुलिस ने पासपोर्ट में कुछ बातों को लेकर अरेस्ट किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत अरेस्ट किया है ये पुलिस। बदनावर की जो है ये कानून को अपनी जेब में रखकर के चल रही है, आंख पर पट्टी बांध के चल रही है। आज का इनका जो कृत्य साजिद के लिए इन्होंने किया है, ये घोर देश के संविधान का अपमान है, कानून की अवहेलना है और जनता की आंख में धूल झोंकने का काम पुलिस अधिकारी SDOP हमारे TI साहब और पुलिस प्रशासन ये कर रहा है। पासपोर्ट विभाग से अगर कोई शिकायत आती तो उनको अधिकार है ही FIR करने का। एक प्राइवेट आदमी कोई पाटीदार है उसको उसकी शिकायत पर FIR दर्ज करना और पासपोर्ट सरी की चीज, पासपोर्ट बगैर पुलिस की परमिशन के नहीं बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं। और ये यहाँ के TI साहब का इनका ये कहना है कि साहब ये तो इनने तत्काल में बनाया पासपोर्ट। पासपोर्ट चाहे तत्काल में बनाया चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बनाती है उसका प्रोसीजर है, बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के आप पासपोर्ट नहीं बना सकते। और ये पासपोर्ट जो बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई थाने पर शिकायत नहीं की है कि इस आदमी ने फ्रॉड किया है। ये जो शिकायत है एक प्राइवेट आदमी की है जिसने पैसे देकर के ये कंप्लेंट लिखाई है। और पुलिस प्रशासन में मैं आरोप लगाता हूँ खुलेआम कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके खिलाफ इसमें प्राइवेट मुकदमा चलेगा, हम हाईकोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे इस केस के अंदर। ये अपराध आप बदनावर में जो कर रहे हो, जिनके कहने पर कर रहे हो, सब जनता जानती है। चुनाव में जनता ने इसीलिए परिणाम दिया है और परिणाम से जो लोग नहीं सीखते हैं उनको अपना भविष्य देख लेना चाहिए। क्या मामला है साजिद खान को, किस मामले में थाने लाएगा? आवेदन के लिए 15 वर्षीय बदनावर के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था कि साजिद खान जो कि बदनावर के निवासी हैं, इनके द्वारा पासपोर्ट तत्काल में बनाकर और अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाकर तैयार किया गया था, इस संबंध में कार्रवाई करने बाबत दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र की जाँच की गई, जाँच में आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य सही पाए गए। पासपोर्ट कार्यालय से भी जानकारी इस विषय में प्राप्त की गई, उनके द्वारा भी जानकारी दी गई है कि इनके द्वारा तत्काल में पासपोर्ट बनाया गया और पासपोर्ट में जो दिए जाते हैं धाराएं कि किस प्रकार के आपके खिलाफ अपराध दर्ज होते हैं, क्या धाराएं में कोई मामला इशारा दिए गए, कोई समन्स वारंट आपके खिलाफ है, उक्त जानकारियों को इन्होंने इनके द्वारा जानबूझ कर छुपाकर मूल्यवान संपत्ति जो भी पासपोर्ट है उसको प्राप्त करके सऊदी अरब विदेश यात्रा करी है। इस संबंध में थाना बदनावर जिला धार में इनके विरुद्ध धारा 420 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत कर निर्देशन में। क्या इस दौरान पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? जी, तत्काल में जो कार्रवाई होती है उसमें तत्काल में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। तत्काल में ही वहाँ से वहाँ पे जानकारी जो भी छुपाई गई थी, इस आधार पर इनका पासपोर्ट जारी कर दिया गया था और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन जब हुआ तो इनके खिलाफ जो निगेटिव टीम यहाँ से श्रीमान SP सर के कार्यालय से थाना बदनावर से जो गई थी उसके आधार पर इनका पासपोर्ट निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और इनका पासपोर्ट वर्तमान में भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में जमा करा दिया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? हाँ, आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।